Hello dear students, today I am going to start the chapter 3, liberalization, privatization and globalization. After independence, India ने mixed economic system start किया जिसमें capitalist और socialist economy दोनों के advantages mixed थे. But in reality, हुआ actual में क्या हुआ, public sector ने पूरा proper dominate कर लिया था economy को और private sector को totally ignore कर दिया गया था. सारी ही इन्वेस्टमेंट्स पब्लिक सेक्टर में की जा रही थी और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से मेन प्रॉब्लम्स अराइज होना स्टार्ट हो गई. हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो वर्स्ट और मिजरेबल होना स्टार्ट हो गई. अब 1991 में इंडियन इकोनॉमी में न्यू रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट आई. तो इस रीजन्स क्या थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के? फर्स्ट रीज़न इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. द पब्लिक सेक्टर वॉज performing very very disappointing. Reason was that in 1951, at the time of independence, public sector was assigned important role to work for economic development. But जैसे जैसे आगे बढ़ता गया टाइम 1990 तक, जो हमारा टारगेट था वो अचीव हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स. द रीजन्स वर ह्यूज लॉसेज वर इनकर्ड इन पब्लिक सेक्टर. एंटरप्राइजेस ने बहुत ज़्यादा लॉसेज स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कोई अब इकोनॉमिक रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट थी ही थी. देन बीओपी डेफिशिएंसी, बीओपी वॉज वेरी डेफिशिएंट. बीओपी मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज अगर हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो वी हैव टू पे फॉर दैट. जो पेमेंट्स हम कर रहे हैं और जो हम एक्सपोर्ट करके इनकम रिसीव कर रहे हैं, रिसीप्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, पेमेंट्स एंड रिसीप्ट्स. जब हम पेमेंट्स ज़्यादा है हमारी पेमेंट्स और हमारी रिसीप्ट्स कम है, तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी. व्हेन पेमेंट्स आर ग्रेटर देन रिसीप्ट्स, दैट इज़ नोन एज डेफिशिएंसी. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बीओपी. जब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमें पेमेंट करनी है. वी आर इम्पोर्टिंग मोर देन एक्सपोर्ट्स. हमारे पेमेंट ज़्यादा हो रही हैं इम्पोर्ट्स पे और हमारी एक्सपोर्ट्स पे रिसीप्ट्स कम मिल रही हैं, जिसकी वजह से डिफिशेंसी आ रही है. और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हाई कोटा, हाई टैक्सेस लगा रहे हैं ऑन इम्पोजिंग इम्पोर्टिंग गुड्स. इम्पोजिंग व्हेन वी आर इम्पोर्टिंग द गुड्स, वी हैव टू पे हाई टैक्सेस. और जब हम उसको बेच रहे हैं बाहर जाके, तो एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं बट कोई हमारा गुड खरीदने के लिए रेडी नहीं है. रीज़न वॉज दैट हमारे हाई प्राइजेस हैं, लो क्वालिटी है इंटरनेशनल मार्केट के गुड्स के कंपैरेटिवली, तो हमारा सामान बिक नहीं रहा, जिसकी वजह से हमारे पास डिफिशेंसी हो रही थी बीओपी में. देन प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे थे, मनी सप्लाई बढ़ रहा था बट शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स बढ़ते हो. एसेंशियल गुड्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, जिनसे जब आपको पता है जब किसी भी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो प्राइजेस इंक्रीज होते हैं. डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई है नहीं मार्केट के अंदर, तो प्राइजेस क्या हो रहे हैं, शूट अप कर रहे थे. देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारा बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता जा रहा था. हमारे पास दो हफ्ते के इंपोर्ट्स के लिए पे करने के लिए भी पैसा नहीं था. एटलीस्ट वन टू वीक्स का हमें इंपोर्ट जो हम ले रहे हैं 2 वीक्स के लिए, उसको हम पेमेंट नहीं कर पा रहे थे. हमें इंटरेस्ट पे करने के लिए भी हमारे पास मनी नहीं था. वी डोंट हैव फॉरेन एक्सचेंज टू पे अवर इंटरेस्ट टू द इंटरनेशनल लेंडर्स, जिन्होंने हमें लोन पे दे रखा था. देन वी हैव ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट्स. डेब्ट्स मीन्स बॉरोइंग्स जो हमने ले रखी थी, कर्जा जो हमने ले रखा था, और वो कर्जा बहुत ज़्यादा होता जा रहा था. हम गवर्नमेंट ने बैंक से, पब्लिक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे दे रखा था और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हम पे आ गया था. देन रेवेन्यू, वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, रेवेन्यू नहीं आ रहा था बट एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे थे. देन इनफिशियंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वॉज वेरी इनफिशियंट. गवर्नमेंट का जो काम हो रहा था वो कैपेबल नहीं हो पा रहे थे कि हमें रेवेन्यू, सफिशिएंट रेवेन्यू जितना हमें चाहिए उतना अर्न कर पाए. गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सीड नहीं हो रहे थे बट बोरोस की वजह से डेब्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था. कंजम्पशन नीड्स पूरी करने के लिए हमने बोरोइंग्स दी थी, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही थी. तो ये सारे हमारे मेन रीजन थे जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट थी ही थी. देन हमारा एक टाइम आया 1991 में, वी आर फेसिंग द क्राइसिस. बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स वी आर हैविंग क्राइसिस.
तो हमने IMF और वर्ल्ड बैंक से जाकर लोन मांगा और हमें रिसीव हुआ $7 बिलियन का लोन। और ये लोन मिलने के लिए उन्होंने हमसे कुछ कंडीशंस रखी हमारे सामने। फर्स्ट कंडीशन वॉज दैट वी हैव टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, देन रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज हैव टू बी रिड्यूस्ड। हमें गवर्नमेंट का जो रोल है, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है, वो कम करना पड़ेगा कुछ एरियाज़ में। और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस मीन्स हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जो हैवी टैक्स ड्यूटीज़ लगा रहे हैं इम्पोर्ट करने पे, वो हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी। तो इंडिया ने ये बात मान ली उनकी, और इसकी वजह से N1991 वी आर हैविंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट की गई 1991 में, जिसमें बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जिनका मेन मोटिव था टू कम्पीट एनवायरमेंट, हैव कम्पिटिटिव एनवायरमेंट इन द इकोनॉमी, और एंट्री और ग्रोथ कर सकें हम इन द टर्म ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स प्रोड्यूस कर सकें, कॉम्पिटिशन ला सकें हम आपस में, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट या ग्रोथ अचीव कर सकें। फर्स्ट इज दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, फर्स्ट इज स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड सेकेंड इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स में शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, मतलब छोटे टाइम के लिए, 1 महीना 2 महीने 5 महीने 6 महीना या 1 ईयर से कम कम, हम क्या हमारे छोटे मेजर्स हैं, मतलब मेन टारगेट्स हैं हमारे। फर्स्ट इज करेक्टिंग वीकनेस ऑफ BOP, हमें इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने पास रखना है, इतना हमें सफिशिएंट बनना है इस चीज़ में कि हम अपनी BOP की जो प्रॉब्लम आ रही है वो ख़त्म कर पाएँ। सेकेंड, कंट्रोल इन्फ्लेशन, जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये दो हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स थे जो हमें अचीव करने थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, हमें ग्रो कैसे करना है, वी हैव टू ग्रो। एंड सेकेंड इज इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बनानी है, मतलब हमें कॉम्पिटिशन लेवल अपना बढ़ाना है वर्ल्ड वाइड, और ये काम हो सकता है सिर्फ और सिर्फ रिजिडिटी रिमूव करने के। रिजिडिटी मीन्स कठोरता, जो हमने बहुत सारे अपने आगे आगे पीछे फाउंडेशन लगा रखे हैं उन्हें कम करके हम ये काम कर सकते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में फर्स्ट आता है आपका लिबरलाइजेशन, सेकेंड इज़ प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड इज़ ग्लोबलाइजेशन। हम इस वीडियो में लिबरलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। लिबरलाइजेशन प्रायर टू 1991 हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, इम्पोर्ट करने पे, एक्सपोर्ट करने पे, लाइसेंस हर चीज़ के लिए हमें चाहिए था। अब इन्होंने बोला कुछ लिबरल कर दो, मींस फ्रीडम दे दो थोड़ी सी। तो लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड दो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम की गई। पर्पस वॉज टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, एनकरेज MNCs टू एंटर द इंडियन इकोनॉमी, टू इंट्रोड्यूस मोर कॉम्पिटिशन इन द इकोनॉमी, ये हमारे मेन टारगेट्स थे। देन लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया गया, इसमें कुछ सेक्टर्स इंक्लूड किए गए। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रीज में क्या क्या फ्रीडम दी गई, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस किए गए। फर्स्ट इज रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, हमने लाइसेंस थोड़ा कम कर दिया। आपको पता है जब हमें कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है या जो भी हमें कोई काम करना है तो हमें क्या करना है, पब्लिक सेक्टर से लाइसेंस लेना है, गवर्नमेंट से हमें जाके लाइसेंस देना पड़ता था कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि लाइसेंसिंग थोड़ी सी रिड्यूस कर दी गई, मीन्स पहले हमारे पास 17 इंडस्ट्रीज़ थी, अब हमारे पास सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हमें लाइसेंस देने की ज़रूरत है, बाकी सारा ऐसा कुछ नहीं है बाकी इंडस्ट्रीज़ में। रिडक्शन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लिक्वर में, डिफेंस इक्विपमेंट्स में, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स में हमें ज़रूरत है, बट हमें अगर नई यूनिट सेटअप करनी है, एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो हमें उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया गया, पहले 17 इंडस्ट्रीज थी अब 3 इंडस्ट्रीज हैं सिर्फ, जो गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल है, जो पब्लिक सेक्टर ही चला सकता है, प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। डीज 3 आर डिफेंस इक्विपमेंट्स, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, रेलवे ट्रांसपोर्ट। देन डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ रिजर्वेशंस की गई थी उनको भी इन्होंने फ्री कर दिया, डी रिजर्व्ड कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी सीलिंग बहुत ज़्यादा था हमारा इसमें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही काम करेगी, उसको भी फ्री कर दिया, मार्केट को अलाउ कर दिया टू डिटरमाइन द प्राइसेस थ्रू
मार्केट फोर्सेस, अब वो बताएं कि प्राइसेस क्या हो सकते हैं। मोनोपोलीज और एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP एक्ट स्टार्ट किया गया। इसमें लार्ज कंपनीज की रिक्वायरमेंट को पूरा किया गया, अप्रूवल दिया गया एक्सपैंड करने के लिए, नई अंडरटेकिंग्स खोलने के लिए, मर्ज करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो हर चीज़ में इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी उनको कम कर दिया गया, उन्हें कम रिस्ट्रिक्शंस कम करके लिबरल कर दिया गया, थोड़ी फ्रीडम दे दी गई इन सबको। देन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में आता है सबसे पहला आपका फाइनेंशियल, मींस अब पैसा कहाँ से लाएं, इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, इन सबको क्या करना है, अब फाइनेंशियल सेक्टर कैसे कंट्रोल किया जाए, उसमें लिबरलाइजेशन किस तरीके से दी गई। फर्स्ट इज चेंज इन रोल ऑफ RBI, RBI का रोल रेगुलेटर था, अब फाइनेंशियल सेक्टर का वो फैसिलिटेटर हो गया, मतलब रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, अब वो फाइनेंशियल सेक्टर वॉज अलाउड टू टेक देयर डिसीजंस, RBI से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने थोड़े बहुत छोटे मोटे डिसीजन ले सकता है कि मुझे ये लोन देना है या नहीं देना, या मुझे इतना काम करना है, या मुझे अपना अपना इस तरीके से मैनेज करना है अपना सारा काम, जो भी छोटे छोटे डिसीजन वो ले सकता है फाइनेंशियल सेक्टर में वो अपने आप ले सकता है, उसे हर बात को RBI से पूछने की ज़रूरत नहीं है। देन ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स स्टार्टअप हुए, पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक से, देन प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स भी आना स्टार्ट हुए, उनको RBI अपने अंडर कंट्रोल करके लेके आने लग गई। देन इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी हमारे यहाँ देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट 51% के अराउंड इंक्रीज कर दी गई, 51% तक वो अपना पैसा डाल सकते थे, इन्वेस्ट करते थे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स वर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स एज वेल। एक्सपेंशन प्रोसेस थोड़ा ईजी कर दिया गया, नई ब्रांचेस खोलने के लिए कोई RBI का अप्रूवल नहीं चाहिए, आप इजीली कहीं पे भी कोई भी ब्रांच खोल सकते हैं, मीन्स अगर ICICI बैंक की एक ब्रांच है तो वो अपनी ब्रांच NIT में है, अपनी ब्रांच वो लखनऊ में भी खोल सकता है, अपनी ब्रांच वो उड़ीसा में भी खोल सकता है, विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज डन बाय RBI से कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, विदाउट द अप्रूवल दे कैन स्टार्ट अप अ न्यू ब्रांचेस इन डिफरेंट एरियाज। देन टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स में आता है आपका डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब टैक्स कैसे कम किए जाएँ, देर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब डायरेक्ट टैक्सेस जो इंडिविजुअल के ऊपर लगते हैं उनके इनकम पे प्रॉफिट पे लगते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो थे जो हमारे पे लग नहीं रहे बट पे तो हम ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, जैसे GST। मेजर टैक्सेस रिफॉर्म्स क्या किए गए, फर्स्ट इज रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्सेस थोड़े कम कर दिए गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म्स किए गए, चेंजेस किए गए। देन प्रोसेस जो था टैक्स पेमेंट का वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया, ताकि जो लोगों को प्रॉब्लम्स आए थे टैक्स पे करने के टाइम पे वो प्रॉब्लम्स भी उन्हें फेस ना करनी पड़े। लास्ट इज नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स मीन्स डिवेल्यूएशन ऑफ रुपी, डिवेल्यूएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होना, रिड्यूज होना। BOP में की प्रॉब्लम्स जो आई थी, BOP जो क्राइसिस आए थे हमें उसमें, उसको ओवरकम करने के लिए रुपी वॉज डिवेल्यूड, रुपी को डिवेल्यू कर दिया गया, जिससे क्या होगा हमारे यहाँ पे इन्फ्लो स्टार्ट हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का, अगर इन्फ्लो इंक्रीज होगा तो ये प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाएगी। देन मार्केट डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, मार्केट डिटरमाइन कर रही थी एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, इट इज़ अंडर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अलाउ रुपी वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल, उसने फ्री कर दिया, मीन्स मार्केट डिटरमाइन कर सकती है, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेज डिटरमाइन कर रहे थे कि आप मार्केट में इंडियन रुपये की वैल्यू फॉरेन करेंसी के हिसाब से कितनी होगी, मीन्स $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ और $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़, इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एंड लास्ट इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में मेन आता है आपका हाई टैक्सेस एंड कोटाज रिस्ट्रिक्शंस जो थे कि हम इम्पोर्ट करेंगे तो हमें हाई टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, हम इससे ज़्यादा अमाउंट का सामान इम्पोर्ट नहीं कर सकते, हम इतने ज़्यादा क्वांटिटी इम्पोर्ट नहीं कर सकते, उसके ऊपर इन्होंने कहा हमें थोड़ी
लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया गया, थोड़ा फ्री कर दिया गया इस चीज़ों से. सबसे पहला पॉइंट आता है आपका इसका रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. क्वांटिटी थी हमारे पास कि आप 10,000 से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ डिओड्रेंट नहीं इंपोर्ट कर सकते. अब वो क्वांटिटेटिव जो था वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई. रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंपोर्ट्स और इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स वर रिमूव्ड फ्रॉम अप्रैल 2001. एक्सपोर्ट ड्यूटीज रिमूव कर दी गई. जो भी हम एक्सपोर्ट ड्यूटीज पे कर रहे थे कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए, हमने उसको रिमूव करना पड़ा. देन इंपोर्ट ड्यूटीज जो हम कर रहे थे उसे हमें रिड्यूस करना किया हमने, ताकि डोमेस्टिक गुड्स की पोजीशन कुछ अच्छी हो सके. देन लैक्सेशन इज इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम. इंपोर्ट लाइसेंसिंग भी अबॉलिश कर दी गई, एक्सेप्ट हैज़ार्डस एंड एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज, मीन्स एल्कोहल में आ गया या ड्रग्स, इन सब में हमने थोड़ा बहुत रखा है लाइसेंस. बट इसके अलावा अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हैज़ार्डस नहीं है, एनवायरमेंट सेंसिटिव नहीं है अगर वो सामान, तो हम उसमें फ्री ऑफ लाइसेंस काम कर सकते हैं. लाइसेंसिंग, इम्पोर्ट लाइसेंस